24 घंटे यहीं पर हैं, वो हमारे साथ हमेशा कांटेक्ट में हैं, हमेशा रबते में हैं, हमेशा हर चीज़ पूछते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम कोई तकलीफ वो तो यहाँ ही हैं, हमारे पास ही हैं। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनका तो हम क्या कहें, कहने से बाला तो बाला तार हैं। तो आर्मी तो हमारे साथ ही है, हमेशा हमारे साथ में ही, हमेशा 24 घंटे। रात को 11 बजे मुझे फ़ोन किया उन्होंने, जो मेजर साहब थे यहाँ पर रस्तोगी साहब, उन्होंने रात को 11 बजे मुझे फ़ोन किया। वो तो दिन में रात में सुबह में वो तो फ़ोन करते भी रहते हैं और हमेशा पूछते ही रहते हैं। थैंक यू सर। सर यहाँ पे सर पहले ये बहुत बैकवर्ड एरिया था, इसमें अब सर रोड भी आ गई है। सबसे पहले तो हम डीसी यासिन चौधरी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने भी हमारा साथ बहुत अच्छा किया सर। अब वो यहाँ से चले गए हैं जम्मू में सर, दूसरे आ गए हैं सर डीसी, तो उन्होंने भी सर मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। उसके बाद सर हमें जब से स्टडी करती हूँ, मैं बीए पार्ट फर्स्ट में हूँ सर, हमें यहाँ से पैदल जाना पड़ता था सुरनकोट में जाके हमें स्टडी हासिल करनी पड़ती थी। उससे बेटर सर जंगल में हमें बहुत खतरा था सर। उसके बाद सर गाड़ी का किराया भी हमें बहुत था, तो अब हम ये शुक्रिया बहुत बहुत अदा करते हैं इंडियन आर्मी का कि हमें रोड भी दिया, हमें पानी भी दिया सर। इस गाँव में सर अब स्कूल को भी, हमारा ये जो स्कूल था इसको भी बुकें दी हैं, अच्छा वो डेस्क दिए सर, डिस्पेंसरी में सर माल मवेशी की दवाई दी है, बंदे की दवाई दी है सर। तो इसके बाद रोड पानी भी हमारे पास पहुंच चुका है, तो अफसर भी आते हैं डिस्पेंसरी के आते हैं सर, स्कूल में आते हैं, सभी आते हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ सर। उसके बाद सर इंडियन आर्मी का मैं ये शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैंने JK SSS का सर पेपर दिया, उसमें मेरा रिजल्ट अभी हुआ नहीं है सर, तो रिजल्ट आ जाएगा। मैंने गुडविल स्कूल पोठा में पेपर दिया है, तो सर उसमें स्कॉलरशिप के लिए वो भी मेरी मदद उन्होंने किया सर। इतना आमदनी नहीं थी कि मैं आगे मतलब अपनी जो स्टडी थी वो जारी कर सकती थी, तो उन्होंने मेरे लिए बहुत एहसान किया है सर, तो बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ।